ऐसा बनाया है कि इनमें से हर एक अल्लाह की जात का मजहर बनकर इस तरह से आए कि अल्लाह को ये भी गवारा ना हुआ कि जो ये पैदा हुए हैं तो इनके नाम इनके माँ बाप रखे। कहा नहीं, ये पैदा हुए हैं तो इनके नाम भी मैं रखूंगा, मगर ऐसा नाम नहीं रखूंगा जो दुनिया वाले कहते हैं हमें ये पसंद है बस यही रख लिया जाए। मैं ऐसा नाम रखूंगा कि जो मेरी किसी ना किसी सिफत का मजहर बन जाए। फरमाया मैं महमूद हूं, मैं मोहम्मद को बना रहा हूँ, मैं आली हूँ, मैं अली को बना रहा हूँ, मैं फातिर हूँ, मैं फातिमा को बना रहा हूँ, मैं मोहसिन हूँ, मैं हसन को बना रहा हूँ, मैं कदीमुल एहसान हूँ, मैं हुसैन को बना रहा हूँ। गोया खुदा ये कहना चाहता था कि देखो अगर मेरी महमूदियत देखना चाहते हो तो मोहम्मद को देखो। और मेरी बुलंदी देखना चाहते हो तो अली। दोस्तों इसीलिए मैं कहा करता हूं कि लोगों ने अली की बुलंदी को इतना देखा इतना देखा इतना देखा, गलतफहमी में उसे खुदा समझ बैठे। खुदा ने कहा देखो ये मेरी बुलंदियों का मजहर है, बस ये देखो ये इतना बुलंद है मगर मेरे सामने फिर भी झुक जाता। अपनी बुलंदियों के साथ मेरे सामने सजदा रेज हो जाता है। मेरी बुलंदियों को देखना हो तो बस इसे देख लो कि जिसकी बुलंदियों को देख कर लोग इसे खुदा समझे तो फिर मेरी अदालत कितनी। मैं कहा करता हूं कि अल्लाह की अल्लाह का हम पर दोस्तों एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद उसका दूसरा बड़ा एहसान यह है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद उसका सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने हमें मोमिन आले मोहम्मद बनाया। मेरे फातिर उस समावात वल अर्ज को देखना चाहते हो तो जाओ मुसल्लाए जहरा पर देखो कि वो किस तरह से मेरे सामने सजदा कर रहा है। मेरे मोहसिन होने को देखना चाहते हो तो हसन को देखो, और मेरे कदीम और एहसान होने को देखना चाहते हो तो मेरे हुसैन को देखो। वो हुसैन के जिसने अल्लाह की पहचान करवाने के लिए कर्बला बसाई। खुदा की कसम इतनी पेशकश हो चुकी थी हुसैन को, जो चाहते हो हम देने को तैयार हैं। माल चाहते हो, इख्तदार चाहते हो, मनसब चाहते हो, हम देने को तैयार हैं, मगर अपने इस मिशन से हट जाओ। हुसैन ने यही जवाब दिया, अगर मेरा नाना काफिरों और मुशरिकों की बात मानकर उनके लालच को कबूल कर लेता तो मैं भी कबूल कर लेता। तुमने मुझे समझा नहीं है कि मेरी रगों में जहरा का खून दौड़ता। मैं कभी किसी जालिम के सामने झुक नहीं सकता। अल्लाह की पहचान करवाई हुसैन इब्ने अली। अज़ादारों मैं आपसे कह चुका हूं पहले किसी मजलिस में कि हुसैन के एक सजदे ने, पूरी नमाज ने नहीं, एक सजदे ने अल्लाह का दीन बचा लिया। और ऐसा बचाया कि इकबाल को कहना पड़ा इस्लाम के दामन में और इसके सवा क्या है।
एक ज़र्ब यदुल्लाह एक सजदा है शरीफ। वो सजदा हुसैन ने किस वक्त किया आप सुना करते हैं, वो सजदा जहरा के लाल ने उस वक्त किया कि जब खेमों से